आ गए हो आप हमारी वीडियो में। अरे पहले सब्सक्राइब तो कर लो। जी हाँ, ऐसी वीडियो देखने तो सब्सक्राइब करो, घंटी को दबा के घंटा बना दो और उसके बाद शुरू करते हैं वीडियो। क्या करें, आओ। नमस्कार, शर्मा जी के अनबॉक्सिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं HTC, जी हाँ, HTC Wildfire X इंडिया में लॉन्च हो गया है आज से। तो फटाफट से देखते हैं शर्मा जी की अनबॉक्सिंग। तो फोन का जो है बॉक्स कुछ इस तरह से आपको जो है वो मिलता है, लेकिन HTC के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको बतानी पड़ेगी। HTC की ये जो है वो मेरे ख्याल से दूसरी और तीसरी अनबॉक्सिंग है हमारे चैनल के ऊपर। तो HTC जो है वो पहली कंपनी है जिसने पहला टच सेंसिटिव फोन जो है वो बनाया था। HTC पहली वो कंपनी है जो गूगल एंड्रॉयड स्मार्टफोन लेकर आई थी, और HTC ही वो कंपनी है जिसने पहला मेटल बॉडी स्मार्टफोन आपको जो है वो दिया था। अप एंड डाउन लाइफ में चलते रहते हैं, लेकिन फिर से जो है वो HTC यहाँ पर आ गया है और अपना पहला यहाँ पर स्मार्टफोन लेकर आया जिसका नाम रखा है Wildfire X। फटाफट से देख लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट क्या है। बॉक्स कुछ इस तरह से आपको जो है वो मिलता है। आप देख सकते हैं कि ट्रिपल कैमरा आपको दिखाई दे रहा है फोन के ऊपर बॉक्स में जो दिया गया है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ की हाइलाइट्स बताई गई हैं कि ट्रिपल कैमरा आपको मिलता है, 6 मंथ्स का जो है वो टोटल डैमेज प्रोटेक्शन मिलता है जिसमें आपको नो क्वेश्चन आस्क्ड है यहाँ पर एक्सीडेंटल डैमेज के ऊपर, और 1 ईयर का कॉम्प्रोहेंसिव वारंटी भी मिलता है। साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी है। हमारे पास में जो मॉडल है वो 4GB और 128GB रोम के साथ में आता है। इसका एक वेरिएंट आता है 3GB और 32GB के साथ में, जो कि आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है वो स्मार्टफोन दिखाई दे जाता है, उसको रख देते हैं एक बार साइड में। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक केबल दी गई है USB से टाइप सी में, 10W का चार्जर दिया गया है, सिम इजेक्टर पिन दी गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है माई बडी कंपेनियन, जो शुरू में आपने देखा क्या था। कुछ लीफलेट्स भी आपको इसमें दिए गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर फोन के डिजाइन की। तो फोन में आपको जो है वो 6.2 इंचेस की HD+ वाली IPS वाली स्क्रीन दी गई है। यहाँ पर सामने की तरफ आपको जो है वो V नॉच दी गई है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन HD आपको मिलता है, यानी कि 720+ आपको यहाँ पर जो है वो दिया गया है। बैक साइड की बात करते हैं तो शाइनी ग्लास लाइक आपको जो है वो दिया गया है। 3D मिरर फिनिश है जिसमें आपको जो है वो हाइपर ऑप्टिकल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे क्लोजली जब आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो फोन जो यहाँ पर लाइट वेट है, इजी टू यूज है, इन हैंड फील के लिए यहाँ पर काफी अच्छा है, सिंगल हैंडेड ऑपरेशन के लिए आप इसको यूज कर पाएंगे। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो मीडियाटेक का हीरो P22 आपको दिया गया है, जो कि 64-bit का प्रोसेसर है, 2.0 GHz पे आपको मिलता है, ऑक्टा कोर है, 12 नैनोमीटर पे बना गया है, TSMC ने इसको बनाकर दिया है। साथ ही साथ इसमें जो है IMG पावर VR का जो है G8320 वाला GPU दिया गया है। बैक साइड में आपको यहाँ पर जो है वो ट्रिपल कैमरा दिया गया है। प्राइमरी कैमरा जो है वो 12 MP का है, जिसको मेन कैमरा यहाँ पर बोला गया है। साथ ही साथ आपको जो है वो 2x जूम वाला यहाँ पर 8 MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, और जो थर्ड कैमरा है वो 5 MP का दिया गया है डेप्थ के लिए। तो भैया कॉम्बिनेशन अच्छा है, कम से कम 2 MP नहीं है यहाँ पर। साथ ही साथ बात करते हैं सेल्फीज की, तो सेल्फीज के लिए आपको जो है 8 MP का यहाँ पर जो है कैमरा दिया गया है। बात कर लेते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स की, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। करते हैं यहाँ पर इसकी बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पर जो है आपको बड़ी मिल जाती है, 3300 mAh की बैटरी है, और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की गई, यानी कि AI बैटरी है, जो कि आपके पावर कंजम्पशन को जो है वो मैनेज करती है और आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है। फेस अनलॉक की बात करते हैं तो फेस अनलॉक भी इसमें आपको जो है वो दिया गया है, जिस तरह से आप जो है उसको ओपन करेंगे, प्रेस करना है और फेस को देखते हुए जो ऑन हो जाता है, लगभग जो है वो 1 सेकंड तक लगता है इसको जो है स्क्रीन ऑन होने के बाद ये जो काम करता है। फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं टच एंड रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पर टच करते के साथ में जो है वो ओपन हो जाता है, तो फिंगरप्रिंट थोड़ा यहाँ पर फास्ट आपको में मिल जाता है। रियर माउंटेड है। बात करते हैं यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर की, तो ऑलमोस्ट जो है वो गूगल के स्टॉक एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर प्री इंस्टॉल आपको मिल जाते हैं, जिस तरह से बिग फार्म है, लाइक एप्लीकेशन है, मिस्टर आउल है, और भी बहुत सारी ओपेरा न्यूज़ है, शेयर चैट है, तो इनको आप चाहें तो हटा सकते हैं। बाकी जो सिस्टम का यूज़र इंटरफेस है काफ़ी टच रिस्पॉन्सिव है, फ्लूइड है, आपको यूज़ करने में कोई शिकायत नहीं आती है। एंड्रॉयड का 9 Pie इसमें जो है वो दिया गया है, तो वो कोई शिकायत इसमें नहीं आती है। प्ले स्टोर से आप जो इंस्टॉल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, ऑप्टी सेव एप्लीकेशन दी गई है, और जो माई बडी कंपेनियन है, और जो माई बडी कंपेनियन है वो यहाँ पर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है एक ब्लूटूथ डिवाइस है जो आपके फोन के साथ में कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही, और या फिर मान लीजिए कि आपको कभी जरूरत पड़ती है एमरजेंसी सिचुएशन की, तो आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर माई बडी एप्लीकेशन में जो आपने कॉन्टैक्ट डाल रखे हैं, 2 या 3 डाल सकते हैं, उसमें जैसे आप किसी एमरजेंसी सिचुएशन में होते हो तो बस आपको क्या करना है, मान लीजिए आप फोन में बात करो, आपको फोन खींच करके कोई ले जाता है, या फिर आप किसी और एमरजेंसी में हो, तो फटाफट से इसको जो है वो यहाँ पर खोल दो, ये सायरन बजना लग जाता है,
ताकि आसपास के लोग अगर हैं तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं ताकि सुनेगा, और साथ ही साथ इसके अंदर भी जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जो ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आपकी लोकेशन, आपकी नंबर, जगह जो है वो पहुंच जाती है कि आप जो है वो इमरजेंसी में और आपको हेल्प की जरूरत है। तो इस तरह से ये जो हेल्प करती है, काफ़ी अच्छा डिवाइस आपको जो है वो मिलता है। तो बात करते हैं ओवरऑल फ़ोन की, तो यहाँ पर HTC ने वापसी की है। मुझे लगता है कि अभी वो और यहाँ पर काफ़ी दूर चलना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। कीमत की अगर बात करते हैं, दो वेरियंट है 3GB और 32GB, उसकी जो कीमत है वो 10,999 दी गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लेते हैं फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर 22 अगस्त से तो आपको जो 1,000 रुपये का ऑफ मिलेगा दोनों ही मॉडल्स पे। दूसरा वाला जो है वो 4GB और 128GB का, उसकी जो कीमत है वो 13,999 है, वहाँ पर भी आपको 1,000 रुपये की छूट जो है वो मिलती है। और साथ ही साथ इसमें आपको जो नो क्वेश्चन आस्क 6 मंथ्स की जो वारंटी मिलती है, टूट जाए फूट जाए कुछ हो जाए कोई सवाल नहीं, फोन आपको बंद कर दे दिया जाएगा और 1 साल की और अच्छे से आपको जो वारंटी मिलती है पिक एंड ड्रॉप सर्विस के साथ में। तो मुझे लगता है कदम अच्छा उठाए यहाँ पर कंपटीशन को देखते हुए, यहाँ पर HTC को और बढ़िया बढ़िया जो है इनोवेशन करने होंगे और बहुत सारे स्मार्टफोन लेके आने होंगे, तो हमको लगेगा कि हाँ भैया HTC इज बैक इन द गेम। बाकी आप बताएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, HTC के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी कोई यादें हैं पुरानी HTC के बारे में, कि आपका फोन कौन सा था HTC का पहला, तो बताएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और कैसा लगा आपको ये वाला फोन बताएगा जरूर से। इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए और बोलते रहिए।